काहे दीदी आप इतना गुस्सा में काहे जा रहे हैं भैया? पैसा इतना कम मेरा है कि बसाया नहीं पड़ेगा, तो गुस्सा नहीं होगा। ठीक है दीदी, चलिए हम लोग डीसी में चल के हम देखते हैं आखिर क्या बात है कि आपको पैसा कम मिलता है। चलिए भैया चलकर देखिए। ठीक है चलिए। मेरा नाम जयराम पासवान है और हम जीविका में MRP का काम करते हैं और राजगीर प्रखंड के गुरौर गांव से आए हैं। भैया मेरा नाम सुलोचना देवी है, मैं मीरपुर निवासी हूँ, वर्षा भीओ का VRP हूँ। मेरा नाम नंदलाल प्रसाद हुआ, मैं मीरपुर गांव का निवासी हूँ और मीरपुर जलालपुर दूध उत्पादक सहयोग समिति का मैं सचिव हूँ और ये काम लगभग 10 बरस से मैं कर रहा हूँ और ये सोसाइटी का मैनेजमेंट करता या सचिव कहिए वो पोस्ट पर मैं हूँ। अच्छा भैया, आपके यहाँ गांव के लोग जो दूध देने आते हैं, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन जो यहाँ कीमत जो मिलता है तो कुछ लोग जो है खुश नहीं है। भैया आप जो बात बोल रहे हैं उस 100% लगभग सही है। कुछ किसान को समझाते हम मंजाजी हो गए और किसान जो शुद्ध दूध ला रहे हैं उनको सही पैसा मिला है और जो किसान पानी मिलाकर या और कुछ मिलाकर ला रहे हैं उनको पैसा यहाँ से कम मिल रहा है, वो किसान नाखुश है। ये एकदम सही बताए भैया, जो आदमी को जानकारी नहीं रहेगा वो तो नाखुश रहेंगे ही, एकदम निश्चित है। भैया पिछले सप्ताह तो हमने 1.5 लीटर दूध दिया था और पैसा 1 लीटर के हिसाब से ही मिला। ठीक है भैया, दीदी जो बोले बात सही है, लेकिन अगले सप्ताह उन्होंने 1.5 लीटर दूध दिया लेकिन उसमें पानी डाल के दिए, इसलिए उनको रेट कम, जैसी मशीन में डाले उनका रेट कम लगा है। देखिए भैया, लोग ऐसा तो मैंने भ्रम में पड़ गए हैं कि ज्यादा दूध देंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा और इसी चक्कर में पानी मिला करके दूध को बहा देते हैं। ठीक है भैया, आप जो कह रहे हैं वो तो सही है, लेकिन क्यों नहीं इनको हम मतलब कि सामने मैंने कौन सा मशीन का क्या काम है, कैसे पैसा कीमत निकलता है दूध का, उसको दिखा दें इनको, कैसे पैसा ज़्यादा होगा कम होगा जो। ठीक है भैया, मैं सारी बात बताता हूँ, मशीन क्या चेक करता है, क्या बताता है चेक करके, ये आपको सारी मशीन के बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे भैया दूध यहाँ लाते हैं किसान और हम उस पर उसका वजन करते हैं। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले मैंने वजन करते हैं। हाँ वजन करते हैं। ठीक है भैया। ठीक है भैया, जैसे आप किसान दूध लाते हैं उसमें हम डालते हैं, ये अपना वजन बताता है कितना किसान दूध लाए। ओ, तो मतलब इस पर दूध रखते हैं तो मैंने वजन बताता है। हाँ, अच्छा था। अच्छा भैया, तो जब किसान दूध लेके आते हैं तो पहले इसमें डालते हैं, मैंने इसका माप लेते हैं, वजन लेते हैं, अब वजन का जो है ये सही सही मतलब कि है जो कितना हुआ लीटर ये बताता है ना। तो बहुत अच्छा मशीन भैया। ठीक है भैया, आप दूध लेके आए हैं, पहले हम इसका नमूना निकाल लेते हैं, उसके बाद वेट बैलेंस में इसको डालते हैं। अच्छा, नमूना निकाल के वजन बताएंगे। देखिए भैया, इसमें हम आपका दूध डालें, यहाँ आपका वजन अच्छी 120 ग्राम लगभग बता रहा है दूध। अच्छा, 120 ग्राम। ठीक है भैया, आपका दूध का वजन हो गया, आप चलिए अंदर, आपको मैंने फाइट मार के दिखाता हूँ। ठीक है भैया चलिए। देखिए ये मिल्को टेस्टर है, इसमें हम दूध डालते हैं तो बताता है कितना फैट इसमें है। पहले आपका दूध का नमूना लिए, उसमें मशीन में डाले मिल्को टेस्टर में, उसके बाद फिर इसमें डाल के 3 हंडी मारते हैं। हाँ भैया, आपका दूध इसमें नमूना आपका डाले मिल्को टेस्टर में, आपका फैट 4.5 बताया।
अच्छा, मतलब 4.5 ये 5 है, ये दूध का फाइट हुआ ना सर? हाँ, इसी हिसाब से आपका रेट लगेगा। देखिए आपका फाइट बस आप चेक माने कर दिए, अब आपको कंप्यूटर में डालेंगे और जैसे आपका डाले कोड डालेंगे आपका एंट्री होकर रुपया बता देगा कितना रुपया हुआ। अच्छा, उसमें डालने पर मतलब पैसा बता देगा? हाँ, पैसा बता कि मेरा कितना मतलब पैसा हुआ। हाँ। बहुत अच्छा भैया। देखिए पार्वती देवी का दूध अथी कोड डाल रहे हैं, कोड उनका 2360 है, कोड डाल दिए, अब उनका दूध डाल रहे हैं, दूध डाल दिए, उसके बाद उनका फैट डाल रहे हैं और उसके बाद उनका रुपया। देखिए प्रिंटर है, इसमें कंप्यूटर में सारा किसान का डाटा डाल देते हैं, फैट अथी कोड दूध फैट, उसके बाद ये प्रिंटर का अपने आप बिल निकाल कर बता देता है कितना किसान का दूध हुआ, कितना पैसा हुआ और डेट उस डेट हुआ। लीजिए आपका ये बिल निकाल गया। देखिए आपका ये बिल है, आज का डेट है, आपका मेंबर कोड है, दूध का मात्रा है, फैट है और कैसे लीटर प्रति लीटर आपका रेट है 26.24 रुपये और पूरे दूध का आपका कीमत 104.96 रुपये होगा। देखिए यही है आपका बिल और लोग मैंने यही से भुगतान करते हैं और लोग दूध में पानी मिलाकर लाते हैं, दूध की मात्रा थोड़ा बढ़ जाता लेकिन पैसा उनको कम जाता है, लोग समझते नहीं। देखिए दीदी, भैया जो बताए एकदम सही बताए, यही हम लोगों को भ्रम था क्योंकि भैया के इसमें कोई दोष नहीं है, टोटल काम जो है मशीन के द्वारा होता है, तो जो मशीन बताएगा वही ना भैया करेंगे। अब जब हम लोग दूध में पानी मिला कर लाएंगे तो पैसा कम मिलेगा, फैट कम उठेगा, जब दूध शुद्ध लाएंगे तो उतना ही दूध का मतलब कि सही कीमत हम लोग को मिलेगा, और यही हम लोग नहीं समझ पाते हैं जिसके कारण है कि हम लोग को भ्रम हो जाता है कि भैया पैसे भी नहीं देते हैं, भैया पैसे भी नहीं, इसमें भैया का कोई दोष नहीं है। ठीक है भैया, अब हम सही दूध लाएंगे, अच्छा पैसा लेकर जाएंगे। हाँ दीदी, आप जो सोच रही हैं एकदम सही सोच रही हैं, शुद्ध दूध लाइए और उचित पैसा लेकर के जाइए। ठीक है, दूध माने मुझको टेस्टर से जांच के लिया जाए और माने उनको किसान को अच्छा पैसा मिले और हर जगह व्यवस्था हो। देखिए भैया दीदी लोग, जब समिति में दूध लेकर आए तो 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला कि समय और शुद्ध दूध, समय पर शुद्ध दूध लेकर के ही आए। दूसरा कि आप जब वजन कराते हैं दूध को तो सही से आप जांच लें, देख लें कि हाँ मेरा दूध कितना हुआ। दूसरी चीज़ है कि मिल्को टेस्ट में आप दूध उसको मतलब फाइट चेक करते समय ध्यान दीजिए। और तीसरा कि बिल लेकर ही जाएं। धन्यवाद।